बालिका गृह में बच्चियों के साथ जिस तरह से घिनौना पाप होता रहा, ठीक उसी तरह की घटना यूपी के देवरिया जिले में भी सामने आई है। यहां के बालिका संरक्षण गृह में लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी का मामला सामने आया है। माँ विध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह से 24 लड़कियों को मुक्त कराया गया, जबकि 18 लड़कियां अभी भी लापता हैं। इस शर्मनाक घटना ने शासन से लेकर प्रशासन तक को हिलाकर रख दिया है। संरक्षण गृह की लड़कियों से देह व्यापार कराने के मामले पर भड़के सीएम योगी ने देवरिया के डीएम सुजीत कुमार को तत्काल हटा दिया। इस मामले पर सीएम योगी भले ही तेजी से एक्शन ले रहे हों, लेकिन लगता है कि सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क से लेकर सदन तक गरमाए इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया, जिस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ा। उन्होंने लोकसभा में योगी सरकार की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य धर्मेंद्र जी ने और खड़गे जी ने जिस प्रश्न को खड़ा किया है, उस संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना देश में कहीं पर भी हो, वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सर्वनाश है। इस मामले की पूरी जांच कराने के लिए तह तक पहुंचा जा सके, इसलिए सामान्य किसी अधिकारी से नहीं, जिले स्तर के अधिकारी से नहीं, बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल डीजी इस लेवल के दो अधिकारियों को नियुक्त किया है, ताकि जो भी तथ्य हैं वो सामने आए। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें कोई भी जो अपराधी होगा वो बक्सा नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, इस प्रकार की चाहे बिहार हो अथवा उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं संज्ञान में आई हैं, इनको देखते हुए संबंधित मंत्रालय को मैं कहूंगा, मंत्री जी को भी मैं यह कहूंगा कि इस संबंध में आवश्यक एडवाइजरी सभी राज्यों को भेजी जाए, ताकि जो भी बाल सुधार गृह इस प्रकार के चल रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो, ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। लोकसभा में ये मुद्दा सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था, जिस पर राजनाथ सिंह ने जरूरी एडवाइजरी जारी करने का आश्वासन दिया। उधर देवरिया की घटना सामने आने के बाद सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को बालिका संरक्षण गृह की जांच कर रिपोर्ट भेजने को कहा है।